पापा तेरी जाने हैं कितने जलवे, आंखों में पापा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते, आंखों में बाबा तेरी जाने हैं कितने जलवे। देखा है हमने इनसे जग को निहाल करते, आंखों में बाबा तेरी, आंखों में बाबा तेरी। भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई, भगवान को भी बाबा आंखें तेरी लुभाई। परसा रही है इनसे अब रहमतें खुदाई, किस्मत की झोलियों में देखा सितारे भरते। ओम शांति। इस सृष्टि रंगमंच में सतयुग से लेकर पूरे कल्प तक अनेक महान आत्माओं ने अपना अपना पार्ट प्ले किया, अभिनय किया। सृष्टि एक रंगमंच है, मुसाफिर खाना है। हर एक आत्माएं आती है और जाती है, अपना अपना कर्म करती है। परंतु कुछ आत्माएं ऐसे श्रेष्ठ कर्म करती हैं, महान आत्मा बन जाती हैं। कुछ आत्माएं सर्वश्रेष्ठ कर्म करती हैं और उनके कर्मों की शक्ति के बदौलत स्वयं भगवान भी उनका सदा गुणगान करते हैं। ऐसे ही संसार के सर्वश्रेष्ठ आत्माओं से एक हमारी अभ्यर्थी परम आदरणीय दादी प्रकाश मणि, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की द्वितीय मुख्य प्रशासिका के रूप में दादी जी ने लगभग 45 वर्षों तक इस विशाल संगठन का नेतृत्व किया और वर्ष 2007 में 25 अगस्त को आपने इस स्थूल काया को छोड़कर अव्यक्त शरीर धारण किया और एक फरिश्ते के रूप में आज भी पूरे संगठन को शक्ति दे रही हैं, अव्यक्त पालना कर रही। एक से एक संसार में भक्त हुए जिन्होंने भगवान की खोज की, अनेक ऋषि मुनि हुए जिन्होंने गुफाओं कंदराओं में जाकर तपस्या की, ऐसे कई राजा महाराजा हुए जिन्होंने ईश्वर की खोज में राजपाट सब कुछ दिया। परंतु दादी जी एक वो हस्ती थी जिन्होंने भगवान को पहचाना और पहचान कर अपना सर्वस्व उन पर न्यौछावर किया और एक बाबा बेसन इस पाठ को न सिर्फ उन्होंने पक्का किया लेकिन अपने संपूर्ण व्यक्तित्व से एक बल एक भरोसे के आधार से जीवन व्यतीत करते आज विश्व की सभी आत्माओं के लिए बेमिसाल व्यक्तित्व है उनका। वो सच्ची मीरा थी। जरूरी नहीं है कि ईश्वरीय मार्ग में वही चलते हैं जिन्हें कुछ जीवन में ठोकरे खाई हो, कुछ अभाव रहा हो। नहीं, ईश्वर का मार्ग वो मार्ग है जिस पर वो महान आत्माएं चल सकती हैं, जिनमें वो शक्ति है कि भगवान उन्हें जो आदेश दे उसकी वो पालना कर सके। वो निश्चय की घनी होती हैं
कि भगवान उन्हें जो आदेश देंगे उस आदेश की शक्ति भी वही देते हैं। फिर हमें सोच क्यों करना है। एक बल, एक भरोसा, दादी जी के सफल व्यक्तित्व का सीक्रेट। दादी जी की अनेक प्रेरणाओं में से एक प्रेरणा के बाद है, दादी कहती थी, मेरा प्राण है मेरा बाबा, और प्रण है बाबा हम आपके सपूत बनकर आपका नाम बाला करेंगे, हम पवित्र बनकर पवित्र दुनिया बनाएंगे। जब तक प्रण है तब तक प्रतिज्ञा पक्की, मरेंगे जिएंगे प्राण त्यजेंगे लेकिन कभी भी प्रण नहीं छोड़ेंगे। हम देवता बनेंगे, एक धर्म एक राज्य लाएंगे। ऐसा दृढ़ संकल्प बाल्यावस्था में ही दादी जी के अंदर उत्पन्न हो गया था। जब वो ईश्वरी विश्वविद्यालय के संपर्क में आई और ईश्वरी विश्वविद्यालय के संस्थापक माध्यम पिता श्री ब्रह्मा बाबा के संपर्क में, बात उन दिनों की जब इस ईश्वर विश्वविद्यालय के द्वारा नई दुनिया की पुनर्स्थापना के लिए दिया जाने वाला वो ईश्वरीय ज्ञान लोगों को नया ज्ञान लगता था। आध्यात्मिक क्षेत्र में सारे विश्व में अग्रगणी भारत, समयांतरण पर जो शास्त्रों के पुनः लेखन पुनः मनन चिंतन के दौरान कुछ बातें जो पीछे छूट गई, जिन महत्वपूर्ण बातों के पीछे छूटने के कारण भारत का सच्चा सच्चा इतिहास और परमात्मा के कार्य करने की जो गुह्य शैली थी उसका स्पष्टीकरण प्राय लोप हो गया था। ऐसे समय पर जब फिर से वो नया ज्ञान एक सरल भाषा में दिया जाने लगा, जो वास्तव में आध्यात्मिक ज्ञान था, यानी जीवन में व्यावहारिक तौर पर लाए जाने वाला सरलतम ज्ञान, इसके कारण समाज में कई तरह की उथल पुथल हुई, क्योंकि उन दिनों सारा समाज पुरुष प्रधान हो चुका था। भारतीय परंपरा जहां आरंभ काल से ही माँ बहनों का सम्मान भरपूर होता था, हम सभी जानते भारत मदर कंट्री है, विदेशों में भगवान को माँ नहीं कहते परंतु भारत में त्वमेव मातश्च पिता तन्मे कहा जाता है। सत्युग और त्रेता में श्री राधा श्री कृष्ण, श्री राम के पहले श्री सीता, विद्यादायिनी माँ सरस्वती, भले ही उन दिनों बच्चों को ज्यादा पढ़ाते थे बच्चे की अपेक्षा, परंतु विद्यादायिनी माँ सरस्वती कहलाती। धन भले ही पुरुष वर्ग ही कमाते थे लेकिन धनदायिनी माँ लक्ष्मी, शारीरिक तौर पर भी स्त्रियों की अपेक्षा पुरुष वर्ग में शक्ति होती थी परंतु शक्तिदायिनी माँ दुर्गा। तो भारत का इतिहास रहा, धरती को भी माँ कहते, गंगा को भी माँ कहते, अग्नि को भी माँ कहते और अन्न की पूर्ति करने वाली अन्नपूर्णा माँ कहलाती, जल प्रदान करने वाली माँ गंगा कहलाती है, जिसका जल दूध से भी ज्यादा पौष्टिक होता। तो ऐसे एक नई परंपरा फिर से जो ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा चालू हुई, समाज में शुरुआत में कुछ गलत लोगों के बहकाव में आने के कारण बहुत तरह के विरोध का भी सामना करना पड़ा। और एक समय की बात, जबकि समाज के लोगों ने धरना दे दिया कि हम किसी को भी सत्संग में आने नहीं देंगे, उन दिनों करीब करीब 80 छोटे छोटे बच्चियां जो ईश्वरी विश्वविद्यालय के द्वारा खोले गए हॉस्टल में पढ़ती, हॉस्टल में असे आम नहीं असे आत्मा पढ़ाया जाता था, यानी लौकिक विद्या के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान। उन सभी छोटे बच्चों को
समुद्र के किनारे सैर कराने ले गए थे। लौटते समय देखा समाज के लोग क्रिकेटिंग किए हुए बैठे। ऐसे समय भी छोटे छोटे बच्चों के अंदर जो ईश्वर के प्रति उनके सत्य परिचय को जानकर जो समर्थन बहुत था वो देखते ही बनता। पिकेटिंग करने वाले लोगों ने कहा समाज के लोगों को, बच्चों को कि आप अंदर जा सकते हो, आपको छुट्टी है, परंतु बड़ों को नहीं। परंतु उन बच्चियों ने कहा जब हमारे बड़े नहीं जाएंगे तो हम भी नहीं जाएंगे। ईश्वर के प्रति भक्त प्रहलाद का एक उदाहरण हम सभी सुनते हैं, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बच्चियां जिनके अंदर आध्यात्मिक ज्ञान की शक्ति को टूट कर भरी थी, ये बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। दादी जी की प्रेरणाओं में आगे बढ़ते ही जो इस रुद्र यज्ञ में अपना सब कुछ स्वाहा करते यज्ञ उन्हें मन वांछित फल देता है। आप फल की इच्छा नहीं करो, फल स्वतः मिल जाएगा। जब स्वाहा कर दिया फिर अगर वापस निकालने के लिए किसी ने आग में हाथ डाला तो जला हुआ ही निकलेगा। वह अग्नि हाथ जला देगी, वह अग्नि फिर दिल को जला देती है। तो यज्ञ में जब पुराने संस्कार स्वाह कर दिए तो फिर वापस कैसे ले सकते, काम क्रोध के वश कैसे हो सकते। कितनी गहराई से दादी जी की प्रेरणा हमें मिलती है कि भक्ति में सच्चे अर्थों में नहीं जानते थे कि उनको अर्पण क्या करना चाहिए भगवान। आग धतूरे हमने बहुत बार चढ़ाए, लेकिन इस ईश्वरी विश्वविद्यालय द्वारा हमें प्रेरणा मिलती है कि सचमुच के आग धतूरे तो हमारे अंदर है, उसे चढ़ाओ। भगवान को तो उनकी जरूरत है क्योंकि भगवान आत्मा को पावन बनाने आए। उस शिव भोलानाथ के उस बात के भावार्थ को समझ दादी जी ने भी सभी को यही प्रेरणा दी क्या कि आप ये सोचो कि आपका दुश्मन आपके पांच विकार है, उनको आप दान में दे दो, उनको इस ईश्वरीय यज्ञ में स्वाहा कर दो, क्योंकि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय जहां ईश्वरीय पढ़ाई होती है वो एक यज्ञ भी है जहां हम अपनी बुराइयों की आहुति देते। और फिर ये बहाना रखो ऊंची भावी कि जो मैंने यज्ञ में स्वाहा कर दिया, जो अवगुणों का दान कर दिया, उसको मैं हाथ कैसे लगा सकती, उसे यूज कैसे कर दी, वो तो दे दिया, दी हुई चीज वापिस लेंगे और बिना अपने मिस्टेक के रियलाइजेशन के तो अपने को नुकसान होगा। आगे दादी जी ने कहा ब्राह्मणों पर दो प्रकार के माया वार करती, एक देहधारियों में फंसने की, दूसरी ईर्ष्या की प्रबल माया। इसको यह चांस मिला मेरे को क्यों, मैं करना, यह ईर्ष्या की प्रबल। ईर्ष्या ऊंची स्थिति से गिरा देती है। बाबा कहते बच्चे अगर कोई आगे बढ़ता है तो उसको देखकर तुम खुश हो ना, दूसरों को आगे बढ़ाने वाला नेचुरल आगे बढ़ता है, दूसरों को चांस देने वाला स्वयं चांसलर बनता है। ऐसी ही विशेषता से संपन्न दादी जी जिन्होंने छोटे छोटे को भी अपने से आगे बढ़ाया, पहले आप कह के सम्मान देते। ईर्ष्या आध्यात्मिक मार्ग पर चलने वाली आत्माओं के लिए भी बहुत नुकसानकारक है। पता नहीं चलता है अपने अंदर छिपे हुए मान शान की भूख, जब हम किसी कारण से आगे नहीं बढ़ पाते तो दूसरे को आगे बढ़ता हुआ देखकर ईर्ष्या होती है, उसकी प्रशंसा की, उसका सम्मान किया, मैंने इतना किया उसने इतना किया, फिर उसका मान। और ऐसी फीलिंग की बीमारी
फ्लू की बीमारी बन जाती है, न सिर्फ महापुरुषों से हमें दूर कर देती, भगवान से भी दूर कर देती है, संगठन से भी दूर कर देती है, और उसने जो भी पुण्य किया है सब कुछ नष्ट हो जाता है। आगे दादी जी ने कहा, जब ऊंचे से ऊंचा बाप इतनी ऊंची अथॉरिटी कहता है कि मैं तुम्हारा सर्वे, देखिए भगवान खुद इस संगम पर आत्माओं के गुलाम बनकर आते हैं। हे आत्माएं, हे मेरे बच्चों, तुम जो कहो तुम्हारी हर तरह के सेवा में करने के लिए तैयार, लेकिन एक जन्म तुम पावन बन जाओ। मैं सारे विश्व को बदल दूंगा, विश्व में सुख शांति की स्थापना कर दूंगा, लेकिन खुद को बदलने की जिम्मेवारी तुम लोग सिर्फ इतना सा काम कर। इस महत्वपूर्ण सहयोग का ही गायन है भक्ति में कि गोवर्धन पर्वत भगवान ने उठाया, लेकिन सहयोग की अंगुली सबने दी। आज वही समय है जिसके लिए हम सभी गायन सुनते हैं, तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे छोड़। आज भगवान हम सभी के द्वार पर आकर हम सभी से सहयोग मांगते हैं, क्योंकि आत्माएं पुकार रही है, चिल्ला रही है, दुख दर्द से पीड़ित है, दुख अशांति से हमें मुक्त कर। भगवान एक ही बात कहते हैं, सिर्फ आप खुद को बदलिए, बाकी मैं ठीक कर दूं। हम सभी अपने आप से पूछे, क्या हम ये महत्वपूर्ण सहयोग भगवान को देने के लिए तैयार हैं? दादी जी ने इस बात को बहुत गहराई से पेश किया है कि जब भगवान खुद इतना नम्रचित है और हम बच्चों की सेवा में हाजिर होते हैं स्वयं को सर्वेंट समझकर, तो हमें भी कितना निरअहंकारी होना चाहिए। आज मंदिरों में देखिए, देवी देवताओं की प्रतिमा ऊंचाई पर होती है, लेकिन शिवलिंग कहाँ होता है? जमीन पर। ये भगवान की उस विशेषता के निशाने हैं कि भगवान सबसे ऊंच है लेकिन सबसे निरहंकारी है। अपनी रचना, अपने बच्चों, अपने देवी देवताओं जो उनकी रचना है उनको भी अपने से आगे करते, लेकिन खुद बिल्कुल नम्र है। यानी नव निर्माण का काम करना है तो नम्र बनना होगा अपने उस सर्वोच्च पिता के निशान। अपने को सेवाधारी समझो तो स्वयं निरअहंकारी बनने के स्टेज आ जाएगी। अपने को निमित्त समझने से करण करावन हार बाबा स्वतः आए याद आए। एक बार दादी जी से किसी ने पूछा कि आप इतने बड़े संगठन का संचालन करते, बहुत तरह की प्रॉब्लम्स आपके सामने आती होगी, क्या आपको कभी सिर दर्द नहीं होता? दादी जी ने कितना गहरा, कितना अटल विश्वास वाला जवाब दिया, मैं कभी अपने आप को हेड समझती नहीं जो हेडेक है, मैं कभी अपने आप को हेड समझती नहीं जो हेडेक हो। यानी करण करावा हम हाथ भगवान है, बाबा है, मैं निमित्त की। तो जिसका यज्ञ है, जिसके बच्चे हैं, वो संभाल, हम सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, ये बात हमें हल्का रखे। बाबा कहते, मैं हूं कालों का काल, महाकाल, मैं तुमको घर ले जाने आया हूं, धुन लगी है घर जाने की, अगर यही धुन लगी रहे तो कहीं भी वृत्ति जा नहीं सकती, हमारी वृत्ति किसी बात पे फंस नहीं सकती। अब घर जाना है, रिटर्न जर्नी का समय है, आखिर इतनी समस्याएं अति की ओर क्यों जा रही? मनुष्य अपने जीवन की समस्याओं का समाधान जितना करने की कोशिश करता है और नई नई समस्याएं आकर खड़ी होती हैं, क्योंकि क्योंकि का एक ही उत्तर है, क्योंकि अब घर जाने का समय है, आत्माओं के रिटर्न जर्नी का समय है,
इसलिए सारा हिसाब किताब चित्तों से करना है। शरीर के रोगों का अपना आना जारी रहेगा, क्योंकि शारीरिक बीमारियां भी अपना हिसाब किताब चित्तों करके विदाई लेने आ रही है। मित्र संबंधियों के स्वभाव संस्कार का टकराव, प्राकृतिक आपदाएं, ये मानसिक बीमारियां, ये सब कुछ हिसाब किताब चित्तों कराने आ रही। परंतु इन हिसाब किताब को चित्तू वही करेगा खुशी खुशी, जिसे ये पता होगा अब घर जाने का समय। यहाँ खुशी खुशी हिसाब किताब चित्तू कर लेंगे तो फिर धर्म राजपुरी की सजा नहीं खानी पड़ेगी। क्या बाबा के यह बोल रॉन्ग है कि निश्चय बुद्धि विजयंती? अगर नहीं तो कंप्लीट विजयी बनकर दादू जी कहती, कईयों को अनुमान की बीमारी शिकार कर मार डालती, अंदर समझते ही फलाने ने मुझे इस नजर से देखा वह मेरे लिए ऐसा सोचता, मैं तो ऐसे इज्जत से चलने वाला, मुझे ये ऐसा कहते फिर जाकर घर में बैठ जाएंगे तो शिकार हो गए ना। अनुमान की बीमारी, कितने भी अच्छी भावना से किसी को कुछ बोलो लेकिन उल्टा ही समझा देते। अनुमान भी एक प्रकार से मंत्रा का रोल अदा करता जो भगवान से दूर कर देता है। एक बुद्धि होती है सतो प्रधान बुद्धि, दूसरी होती है तमो प्रधान बुद्धि, लेकिन बीच की जो बुद्धि होती है वो बहुत खतरनाक होती है, कि आधा गुण दिखाएगी किसी में और आधा अवगुण दिखाएगी। हाँ मुझे मालूम है कि उसमें मीठा बोलने का गुण है, लेकिन अनुमान लगाएंगे क्यों मीठा बोलते, जरूर मेरे से कुछ काम करवाएंगे। इस प्रकार से पूर्वानुमान की बीमारी ही मनुष्य को अनेक प्रकार की बीमारियों से ग्रसित कराती है। दादी जी, जो इस अलौकिक ब्राह्मण जीवन का सबसे पहला नियम है ब्रह्म मुहूर्त में भगवान को याद, अपने आप को आत्मा समझकर उस सर्वशक्तिमान आत्माओं के सर्व संबंधी उस पिता परमात्मा को याद कर उनसे सर्व शक्तियों के खजाने प्राप्त कर उनसे वरदानों से अपनी झोली भर। ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा समय है, पावन समय, जबकि स्वयं भगवान कहते हैं मैं अपने सारे खजाने खोलकर बैठता हूं तुम बच्चों को, तुम आध्यात्म पथ पर चलने वाले पथिकों के लिए जो शक्तियां चाहिए, जो गुण चाहिए, जो वरदान चाहिए मेरे से प्राप्त कर सकते। ऐसे ब्रह्म मुहूर्त के समय भगवान को याद करना एक दिन में मिस ना। दादी जी इसका जीता जागता शक्तिशाली उदाहरण। दादी जी कहती, अमृत वेले अंडरग्राउंड होकर बाबा के पास बैठ, मैं लाइट बिंदु, एक बाबा बिंदु, मैं लाइट बिंदु, एक बाबा बिंदु, उसकी याद में खो जाओ, सच्ची मस्ती में खो जाओ, रोज अमृत वेले बाबा से दुआओं से जोड़ो, अमृत वेले बाबा की गोद में छिप जाओ, समा जाओ, लीन हो जाओ, अर्थात अपने को बच्चा समझो भगवान के, तो सदा हर समस्याओं से बचे रहे। बच्चा समझने से ध्यान रहता है मेरे सिर पर बड़ों का हाथ, और जिस पर सर्वशक्तिमान परमात्मा का हाथ उसे किस बात के चिंता, सारा दिन बहुत मीठा हो जाएगा, दिल बड़ी मजबूत हो जाएगी, लेकिन शुरुआत कैसे करो, ऐसे ही करो दिन जाए। सारी समस्याओं को भगवान को सौंप, उनकी गोद में सो जाए, लीन हो जाए,
उनकी याद में खो जाए और इसकी शुरुआत रात को सोने से पहले कर। उस पिता परमात्मा को याद कर। सारे दिन भर मन में कोई उल्टी सुल्टी बातें किसी की अवगुण की अगर रह गई है तो उनसे शेयर कर। भगवान को सारी बातें सुना दे। कुछ गलतियां हुई है खुद से तो क्षमा मांगे, दूसरों से गलती हुई तो उसे क्षमा कर। एक नए उमंग उत्साह के साथ अगले दिनचर्या शुरू करेंगे, ऐसा सोच संकल्प है। जब अच्छे संकल्प के साथ उस पिता की गोद में सो जाएंगे तो सवेरे उठते ही उनकी यादों के संकल्प बहुत शक्तिशाली आएंगे। आगे दादी जी का कहना है, जैसे कोई छोटी चीज का भय बैठ जाता है तो रस्सी को भी सांप समझकर भयभीत हो जाते, वैसे कईयों ने माया रूपी सांप के भय का भूत दिमाग में रख दिया है। अब सांप तो विषैला ही है, वह तो जहर ही फूकेगा, इसलिए सांपों से खेलो मत, उसे किनारा कर दो। अगर उसमें इंटरेस्ट लेंगे तो वह खींचेगा, आकर्षित करेगा, जरा भी इंटरेस्ट लिया तो वह खींच लेगा। कहने का भाव, समस्याओं के चिंतन में नहीं जाओ, इसके समाधान में जाओ। चिंतन में जाने का मतलब क्यों, क्या, कैसे, इन्हीं बातों के क्यों में चलेगा। कोई भी समस्या आई है उस समय मैं उसका समाधान का हिस्सा कैसे बन सकता हूं, उस पर चिंतन करें और समाधान कर लें। उसके बाद चिंतन करें भाई क्यों समस्या आई थी, ताकि उस कारण से हम आगे के लिए बचे। लेकिन जब समस्या ऑलरेडी सामने है तो कारण में नहीं जाए, उस समय मैं क्या कर सकती हूँ उसके समाधान में, उसमें लग जाए। बाबा कहते, बच्चे इस असार संसार का समाचार न सुनो और न वर्णन। मन को शक्तिशाली बनाना है तो व्यर्थ से अपने को मुक्त रखना। बाबा की छत्र छाया के नीचे रहो तो माया की ताकत नहीं जो मेरे पास आए। माया आती है, इसका कारण तुम उसे देखते। कितनी गहरी बात है, माया आती है इसका कारण है कि तुम उसे देखते हो यानी चिंतन करते हो, चिंतन करते हो माना याद करते हो, और याद करने से तो जिसे याद करेंगे वो सामने हाजिर होंगे। बाबा की गोद छोड़ देते भय का भूत बैठा होता। निर्भय बनो तो कभी भी माया आ नहीं सकती। मैं कौन और मेरा साथी कौन, मैं किसकी गोद में हूं, किसकी छत्र छाया मेरे ऊपर है, इस बात की स्मृति हमें निर्भय बना दे। आगे दादी जी कहती हैं, अंदर में थोड़ा भी आलस्य आया तो बुरा ही खा जाएगा। आज थोड़ा आलस्य आएगा, कैसे, चलो आज क्लास में लेट से जाएंगे, क्या फर्क पड़ेगा, रोज तो समय पर जाते हैं। देखिए होवन हार खोद के हो चिकने का, जो जितनी महानता के शिखर पर पहुंची हुई आत्माएं हैं उनकी सोच कितनी महान, कितनी गहरी होती है। कि कोई व्यक्ति ये सोचता है रोज तो मैं सही हूं, एक दिन गलती हुई तो क्या होगा, लेकिन कोई व्यक्ति ये कहता एक दिन भी हुआ तो ये सफेद कपड़े पर दाग है, यानी 99 का चक्कर भी नहीं होना चाहिए। इसलिए दादी जी ने कहा कि अंदर अंदर आलस्य आएगा कि चलो एक दिन क्लास में लेट जाते हो क्या फर्क पड़ेगा, और धीरे धीरे माया पूरा ही खा ले। अध्यात्म पथ पर चलने वाले कई ईश्वरी विद्यार्थियों को देखा, बड़ी लगन से आते
और कहेंगे एक दिन भी मिस नहीं होगी पढ़ाई, सवाल ही नहीं कभी मिस होने का, ब्लड से लिख कर भी देते हैं। उस समय उनको समझाओ कि ठीक है आप नए नए हो, आपको जोश है, लेकिन होश भी रखो। कहेंगे नहीं नहीं बिल्कुल होश है, इतना जोश होता है कि लगता है कि बहने हमें क्यों समझाए, परंतु नहीं, अनुभव से ये सब बातें हमारे बड़े कह रहे कि माया एक बार में नहीं पकड़ती, धीरे धीरे अपना बनाती। सर्विस की फील्ड में भी आलस्य के अनेक बहाने बनाते, सच्चे दिल नहीं है, कारण है बहाने की रूट में जाए। बहाना बनाने की आदत क्यों बनती है? क्योंकि दिल में सच्चाई नहीं है, अपनी कमी नहीं बता रहे कि मेरा ध्यान संसारिक बातों में खेलपाल में जा रहा है, इसलिए इन चीजों के लिए बहाना ढूंढते। सच्चे दिल हो तो कोई भी कारण नहीं। बाबा ने कहा, बच्चे अपने संकल्पों को स्टॉप करने की प्रैक्टिस। एक बार दादी जी से मिलने जाना हुआ तो संकोच होता था, दादी जी इतनी बिजी रहते हैं तो जाने से उनका टाइम वेस्ट ना हो, परंतु दादी जी ने कहा हम लोग फ्री रहते हैं। जब पब्लिक प्रोग्राम का समय होता है, गेस्ट आते हैं घर में, तो थोड़ा बिजी रहते हैं, बाकी समय तो फ्री। तो वो फ्री समय भी कैसे यूटिलाइज होता है? तो गहन तपस्या में, और उस तपस्या की अनेक विधियों में एक विधि है कि अपने संकल्पों को सेकंड में स्टॉप करने की प्रैक्टिस करें। जैसे फिजिकल हेल्थ के लिए ड्रिल करते हैं, ऐसे मेंटल हेल्थ के लिए भी शिव बाबा ने अनेक ड्रिल बताई, अभी अभी निराकारी, अभी अभी साकारी, अभी अभी परिस्थिति, स्थिति का अभ्यास कर। इसके लिए नियम बनाओ, ड्रिल करो, अटेंशन रखो, प्रैक्टिस करो, तो बुद्धि शीतल और शक्तिशाली बन जाएगी, खुशी में रहे। हम सभी सुन रहे हैं दादी जी के जीवन पर आधारित उस प्रेरणादायक बातों को, जिसे धारण करके दादी जी सारे विश्व में आज प्रकाश स्तंभ के रूप में विख्यात है, प्रकाश मणि जी के रूप में विख्यात है, आज भी करोड़ों आत्माओं को प्रेरणा दे रहे हैं इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलने। दादी जी कहती, सबसे अच्छा गुण है सदा एक बाप की लगन में मगन रहे, एक बाबा पर डिपेंड करो, आत्माओं पर डिपेंड नहीं करो, लेकिन बाबा पर डिपेंड जरूर करो। रहना तो संगठन में है, लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि मेरा किसी से कोई कनेक्शन नहीं। रहना तो संगठन में है, निर्माण बनकर सबको सम्मान दो। निर्माणता के लिए हमें ये दो हाथ मिले हैं, निर्माणता माला ही नव निर्माण कर सकता है। दो हाथ मिले माना बार बार प्रणाम नमस्ते झुक करके मिलो चंद्र। निर्माणता की जीती जागती मिसाल दादी जी, इतनी बड़ी लेकिन कभी मैं शब्द नहीं कहूं। एक एक की बातों को गहराई से सुन और एक नेतृत्व कला से निपुण आत्मा यही कहते, मुझे करना चाहिए, मुझे सुनना चाहिए, मुझे सहन करना चाहिए, मुझे समाना चाहिए, पहले मुझे करके दिखाना चाहिए। नेतृत्व कला की घनी दादी जी कहती हैं, इस ज्ञान की मंजिल पर चलेंगे तो सहन करने की शक्ति जरूर धारण करनी पड़ेगी। यह सहनशीलता का गुण बहुत बड़ी शक्ति है, सर्व गुणों में महान गुण है। जो सहनशील है वह दुख सुख, स्तुति निंदा, मान अपमान सब में समान रहता है। एक रस स्थिति में रहने के लिए सहन शक्ति चाहिए। कितनी गहरी बात है, एक रस स्थिति में
स्थित रहने के लिए सहन सकते हैं। छोटी छोटी बातों में अपसेट होने की नेचर आत्मा को अंदर से खोखला कर दे तो हमेशा हिलने की आदत बन जाती है। सहन शक्ति अर्थात समझने की शक्ति। जैसे हम सभी जिन चीजों को यूज करते हैं उसको समझ कर यूज करते हैं कि हर वस्तु की माइनस पॉइंट क्या है, प्लस पॉइंट है। मोमबत्ती जलाते हैं, प्लस पॉइंट है कितने कम खर्चे में उससे लाइट मिल जाती है। माइनस पॉइंट क्या है, थोड़ी सी भी हवा लगेगी रुठ जाएगी, बुझ जाएगी। ध्यान रखते हैं ना, ट्यूबलाइट है, प्लस पॉइंट है 2400 घंटे उसे जलाकर रख सकते हैं, हमारा वर्किंग आवर बढ़ सकता है। परंतु माइनस पॉइंट क्या है, थोड़ा सा भी उसको ठोकर लगेगी तो वो रुक जाएगा, टूट जाएगा। ध्यान रखते हैं। ऐसे ही जिन मनुष्य आत्माओं के बीच रहे, सभी की विशेषताएं भी अनेक है, लेकिन कौन किस बात से अपसेट हो, इस बात को समझ कर चले तो हर एक की विशेषताओं का उपयोग भी करेंगे, सहयोग लेंगे भी, सहयोग देंगे भी, और डिस्टर्ब होने और डिस्टर्ब करने से बचे रहेंगे। आगे दादी जी कहती, जैसे प्रकृति का नियम है, सर्दी के समय सर्दी, गर्मी के समय गर्मी होनी है। हमारे पास उससे बचने के साधन है तो हम यूज करें। अभी की प्रकृति है ही तमो प्रधान, इसलिए प्रकृति पर कभी गुस्सा नहीं आता। बुद्धि में रहता है यह तो प्रकृति का धर्म है, उससे लड़ने नहीं जाते। फिर यह जो पारिवारिक परिस्थितियां है इसमें दुख क्यों होता है? जैसे प्रकृति का दुख सुख सहन करते वैसे ये परिवार का भी हिसाब किताब है, उसमें भी अपनी स्थिति अप डाउन नहीं करती। व्यक्ति के ये नेचर को जब समझता है कि इस चीज को मैं बदल सकता हूँ तो वहां मेहनत करता हूँ, जो चीज मेरे कंट्रोल में नहीं है तो वहां शांत रहता। जैसे किसी को स्पीच में ठंड लग गई तो बहुत भयंकर दर्द है, अब किस पर गुस्सा करे, गुस्सा नहीं कर सकता है। दवा लेगा, रेस्ट करेगा, पनिश करेगा। लेकिन किसी से थोड़ा सा हाथ से लग गया और तब दर्द हुआ तो पूरे टाइम उस व्यक्ति पर गुस्सा है, उसके कारण मेरे को ऐसा। तो हम ये समझ लें कि संस्कारों की विषमता तो स्वाभाविक, तो फिर हमें एक दूसरे पर भी गुस्सा नहीं। जब मेरा कोई अपमान करता तो मैं नाराज होती, लेकिन मैं सोचूं कि मैंने उसे कितना मान लिया है। एक है देना और एक है, कितनी गहरी बात है। मेरा कोई अपमान करता है तो मैं नाराज होती, लेकिन पहले यह सोचूं कि मैंने उसको सम्मान कितना दिया है। अगर मुझे अपमान पर गुस्सा आता है, माना मैं मान की भूखी हूं, प्यासी हूं, मान की मांग है, मुझे मान देना है या लेना है। मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना, मान मांगना अर्थात आत्माओं से वर मांगना। बाबा कहता, मांगने से मरना फला, मैं दाता की बच्ची दाता हूं, मैं लेता क्यों करूं। आगे दादी जी कहती, अपने से पूछो, मेरी स्तुति पहले मेरे 10 मंत्री करते हैं, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्म, जो मुझे आत्मा का संस्कार है वह संस्कार मेरी स्तुति करता है। जब मेरा संस्कार मेरी स्तुति करे,
अर्थात ऑर्डर में रहे, तब दूसरे भी मेरी स्तुति करते। ये आत्मा का पहला ही पाठ, ये पहला पाठ ही अंतिम पाठ तक पहुंचता है, पहुंचाता है कि हम दूसरे को दोष न कर देख करके देखें कि हमारी इंद्रियां, सूक्ष्म और स्थूल इंद्रियां अपने संयम में है, तो फिर ऑटोमेटिक दूसरों से भी हमें सम्मान मिले। मेरा पहला मंत्र मेरे ऑर्डर में है, ऑर्डर में है तो शुद्ध संकल्प स्वतः ही आए। अगर मैं ऐसी ऊंची स्थिति में रहूंगी तो मेरा मान स्वतः करे। समय प्रमाण, एकाग्रता का अभ्यास अच्छा कर, एक सेकंड में संकल्प को स्टॉप कर लो, उपराम हो जाए। ये सभी बातें हैं योग में करने वाली क्रिया। इस देह से उड़ जाओ, बाबा के स्वीट साइलेंस रूम में बैठ जाओ, तब यह जीवन न्यारी और प्यारी लगे। फिर कहेंगे राज रहते, ज्ञानी योगी तो आते। अब प्रैक्टिकल बाबा को ऐसा सबूत देना है, अपने आप को चेकिंग करने का टाइम है। इसलिए जो कुछ होता है उन सब का निवारण करके हमें बाबा के पास पहले फरिश्तों की दुनिया में चलना है, फिर मूल वतन में जाना है। अपनी लगन की अग्नि को तेज करने की ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। ये योग की बहुत सूक्ष्म बातें हैं, योग के ही स्टेप्स। अब अपने एक एक कर्मेंद्रियों को दिव्य बनाओ, चेक करो। मेरे कान दिव्य बने हैं? अभी तक कर्ण रस सुनने का शौक है? हमारे ये नयन दूसरों को प्यार की भावना से, भाई भाई की दृष्टि से, बाबा के रत्नों को देखने का शौक है? हर एक को भाई भाई की दृष्टि से, प्यार की दृष्टि से, बाबा के रत्नों की दृष्टि से देखने का शौक है? या नहीं, किसी को बुरी दृष्टि से, द्वेष दृष्टि से तो नहीं देखते? ऐसे एक एक इंद्रिय को चेक करो और इन्हें दिव्य बनाओ। कितने काम मिले हैं, कितनी महान आत्माएं अपने अंतर्मुखी ताकि गुफा में बैठ कर अपने आप को सशक्त बनाने के लिए इतनी गहन तपस्या करते। ऐसी आत्माएं ही राजऋषि होती है। आगे दादी जी कहते हैं, जरा भी मूड ऑफ करने की आदत ना। मूड ऑफ माना ऑफ, उसे प्रेम की ऑफर नहीं मिल सकती। जो मूड ऑफ करता है बात बात में, दूसरा व्यक्ति उसे दिल से प्रेम नहीं देगा। बहुत भारी होकर प्रेम देगा कि पता नहीं ये मूड कब अपसेट कर, उसको देखते ही सामने से हाथ जोड़ेगा लेकिन पीछे से लंबे हाथ जोड़ेगा कि चलो भाई अच्छा हुआ चला गया। जहां दिव्यता है वहां मान अपमान का सवाल समाप्त हो जाता है। जहां मांगते हो या मान मिले वहां वह दूर हो जाता है। हम राजाओं का राजा है, हम कभी मांग नहीं सकते, राजा कभी नहीं कह सकते कि यह चपरासी मेरी इज्जत गंवाता है। राजा का तो ऑर्डर चलता है। मैं अपने आप से पूछूं कि मैं राज्य अधिकारी हूं, ये सारी कर्मेंद्रियां मेरे अधीन है, या मैं कर्मेंद्रियों के रूपी चपरासी के अधीन है। हम सब दिलाराम बाग के दिल वाले बच्चे, जैसा पिता वैसा बच्चे। जब दिलाराम को दिल दे दी
तो कोई भी देहधारी आकर्षित कैसे कर सकता? किसी भी तरफ आकर्षित होना माना दिल वेग बनना। बाबा ने बच्चों को शरीर निर्वाह करने के लिए कर्म करने की छुट्टी दी। बाबा ने बच्चों को शरीर निर्वाह के लिए कर्म करने की छुट्टी दी है। गंदे चित्र देखने, नॉवेल्स आदि पढ़ने की छुट्टी नहीं दी। कई कहते हैं दिल उदास होती है तो पढ़ लेता हूं। पढ़ोगे देखोगे तो जरूर बुद्धि को डिस्टर्ब करेगा। ऐसी चीजें आत्मा को कमजोर करती ही है। एक तरफ ज्ञान योग से और सेवा से शक्ति इकट्ठी करते जाते और दूसरे तरफ से ये बैड हैबिट शक्ति को लीक कर देते हैं, तो आत्मा की उन्नति होगी। कभी भी अपना माथा क्यों क्या के प्रश्नों में गर्व नहीं करें। दिमाग को शीतल कुंड बनाओ, शीतल काया वाले योगी बनो। भल तुम्हें गिराने के लिए कोई खड्डा खोदा हो, लेकिन अगर तुम सच्चे हो, तुम्हारे दिल में उसके प्रति शुभ भावना है। इतनी गहरी बात है। कोई तुम्हारे लिए खड्डा खोदे लेकिन तुम सच्चे हो और तुम्हारे मन में उसके प्रति, जो खड्डा खोदने वाला है, उसके प्रति शुभ भावना है, तो बाबा तुम्हारी रक्षा जरूर करे। तुम्हारे अंदर कभी भी अशुभ भावना, किसी को भी श्राप देने वाले दुर्वासा नहीं बने। कोई कितना भी गलत करे लेकिन बाबा से रक्षा प्राप्त करनी है तो जिस जो गलत करने वाले हैं उसके प्रति भी शुभ चिंतक बनो, तब बाबा से रक्षा का अनुभव होगा। दुर्वासा नहीं बनो। राजयोगी कभी दुर्वासा नहीं बन सकता, यानी किसी को भी श्राप नहीं दे सकते। बाबा की श्रीमत है, बच्चे तुम छीरखंड होकर स्वप्न में भी कभी लून पानी नहीं हो। अगर कोई लून पानी पोते, नमक पर पानी हवा का तुरंत असर होता है ना, पानी छोड़ देता है। ऐसे छुई मुई नेचर वाले, सेंसिटिव नेचर वाले जो होते हैं, दादी कहती ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं कहला सकते। मेरा काम है दूध चीनी होकर, क्षीरखंड होकर। दूध को चीनी में मिलाते हैं, चीनी को दूध में मिलाते हैं, एक दूसरे का कलर एकदम समा जाता है। अगर मेरे में नमक यानी खारापन होगा तो दूसरे भी मेरे ऊपर नमक डालें। सदा छीरखंड रहना माना एकता में, यूनिटी में रहना, और पढ़ाई छोड़ना माना लूले लंगड़े बनना। यह हृदय हमारे बाबा का घर है। जिसके हृदय में प्रेम है उसके हृदय में बाबा की याद है, उनके हृदय में बाबा के सब रत्न है। सबको चलाने वाला बाबा है, बाबा के हम सभी प्यारे बच्चे। बेहद की भावना रखो, अधों में नहीं जाओ। बाबा ने हमें इस बेहद झाड़ की जड़ों में राजयोगी बनाकर बिठाया है नव निर्माण करने की। हमें याद की शक्ति का, पवित्रता की शक्ति का जल लगातार डालना है। हमारा बाबा फाउंडर है, उसने हमें फाउंडेशन में बैठाया है। इसमें योग का बीज डालो, पवित्रता का बीज डालो और ज्ञान की शक्ति से इस इमारत को मजबूत बनाओ। हम पवित्रता का दान देने वाले योगी बच्चे। योग और पवित्रता का ही सहयोग
हम दे रहे हैं। यही नव निर्माण का आधार है, इसी आधार से सृष्टि का उद्धार होना है। आगे दादी जी कहती हैं, बाबा ने हमें मंत्र दे दिया है, बच्चे जो देखते हो वह न देखो, जो नहीं दिखाई देता है उसे याद, यानी अपने को विचित्र समझकर विचित्र बाबा को याद। विचित्र मतलब जिसका कोई स्थूल चित्र नहीं है। जो देखते हो वे न देखो, जो नहीं दिखाई देता उसे याद करो। भिन्न भिन्न संस्कार तो कर्मों के हिसाब किताब, मुझे कर्मों का हिसाब किताब चुप तो करना है न कि बनाना है। मैं सब हिसाब किताब चुप करने में कर्मातीत बनने के लिए बैठी हूं। मैं किसी भी संस्कारवश अपना हिसाब किताब क्यों बनाऊं? हम योगियों के सभी संबंध एक से ही हमारा नाता है, एक से ही हमारा रिश्ता है, हम एक के हैं। एक ने ही हमें बनाया है, अपना बनाया है। वंडर यह है कि वह हर एक का है। एक से ही हमारा नाता है, एक के ही हम हैं, एक ने ही हमें बनाया है अपना और वह हरेक का है। हरेक के सारे संबंध उनसे हैं। यह एक ही सभी बच्चों का सर्व संबंधी है, इसलिए हम सभी वन है। वनेस है, ट्रुथ ही नहीं। हम सभी के इस राजयोगी जीवन के नियम और मर्यादाएं भी एक जैसे। हम सब एक ढांचे में पले हुए बच्चे हैं। बाबा ने हमें मंत्र दे दिया है, एक मत, एक रस, एक अनुमान। श्रीमत है हमारी मुरली, मुरली ही हमारी पढ़ाई अथवा धारणा है। जहां एक मत है वहां द्वैत, द्वेष नहीं, राग नहीं, ना कोई भेद है ना कोई झगड़े। हम सबके बीच में एक बाबा है, इसलिए हमारी आपस में दो मत नहीं हो सकते। संगठन में हर एक को एकता के लिए समझाने का दादी जी का ये निराला अंदाज। दादी जी आगे कहती हैं, बाबा कहते हैं, बच्चे तुम अपनी देह से भी बेघर बन जाओ तो चेक करो कि मेरे में देह अभिमान है। मैंने देह अभिमान का त्याग किया है। एक है त्यागी, दूसरे हैं सर्वंस त्यागी। इसमें ए टू जेड सब त्याग आ गया। लोभ मोह अभिमान सब आ जाता है। जब हर कदम में त्याग हो तभी देही अभिमानी कहें। पहले चाहिए देह से लगाव का त्याग। देह का त्याग नहीं करना है लेकिन देह के लगाव का त्याग। फिर लोभ लालच इच्छा आशाएं इन सभी का त्याग सहज हो जाता है। देह से लगाव होता है तो स्थूल साधनों को प्राप्त करने की लालच लगाओ सब कुछ होता है। ऐसे त्यागी को ही योगी और तपस्वी कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर योगी जीने के लिए खाता है ना कि खाने के लिए जीता। आज खाने पीने के मामले में भी कितने प्रकार से झगड़े होते हैं घर में, अलग अलग इंद्रियों के आकर्षण से परे सर्वश्रेष्ठ योगी जीवन की ऊंची मनस्थिति। ऐसी
ज्ञान के मास्टर सागर, शक्तियों के मास्टर सूर्य, सागर जैसी करुणा और उदारता की घनी, विचारों में पर्वत से भी कितनी ऊंचाई, जिसे पर्वत भी शीश न आए, जिसके कदम के तले जीवन की हर सफलता हो, जिनके दिल में एक दिलाराम भगवान को, और जो उस पिता परमात्मा के दिल में हो, जिन्होंने अपने दिल को इतना साफ और स्वच्छ रखा हो, जो सत्यता की शक्ति की धनी हो, जो जिसे भगवान कहे तो मुझ में है और मैं तुझ में, ऐसी महान आत्माओं का ही तो इस श्रेष्ठ अवस्था का गायन अर्धनारीश के रूप में भी। दादी जी ऐसी अनेकों सूक्ष्म प्रेरणाओं से, सूक्ष्म धारणाओं से लाखों आत्माओं को सुसज्जित कर सारे विश्व में ज्ञान का प्रकाश फैलाने वाली, शक्तियों का प्रकाश फैलाने वाली मजबूत प्रकाश स्तंभ, जिनकी जितनी महिमा करें उतनी कम है, और जो उनको बनाने वाले परमात्मा शिव बाबा है, उनकी महिमा तो कहीं नहीं जा सकती। सारे सागर को सही बनाए, सारे जंगल की लकड़ी को कलम बनाए, और पृथ्वी को बना ले कागज, तो भी महिमा कहीं नहीं जा सकती। ऐसे परम आदरणीय दादी जी को इस अव्यक्त, उनके इस अव्यक्त दिवस पर दिल से सत सत नमन करते हैं, और संकल्प करते हैं उनकी इन शुभ प्रेरणाओं को हम सभी जीवन में धारण करके, उनकी पालना का प्रत्यक्ष सबूत देकर परमात्मा के इस कार्य में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे। फिर तो वो दिन दूर नहीं जब भारत फिर से सोने की चिड़िया बनेगा, स्वर्ग बनेगा, सारे विश्व में सुख शांति का साम्राज्य होगा, जिस साम्राज्य की स्थापना के लिए परमात्मा के कार्य में मददगार बनकर दादी जी ने अपने आप को बिल्कुल देवभान से गलाया और विश्व के सर्वोच्च शिखर पर प्रकाश स्तंभ के रूप में विख्यात। ओम
समर्पण हो बाबा की बड़ी लाडली बाबा भी तुम पे अर्पण हाथों में हाथ लेकर सब कर दिया समर्पण तुमने भी खुद को दादी किया है बलिहार कितना कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा उपकृत रहेगा तुमसे दादी संसार सारा कैसे भूलेगा दादी दैवी परिवार प्यारा उपकृत तुमसे दादी संसार सारा दिन रात सद्गुणों से किया है श्रृंगार कितना कोई क्या दे सकेगा दिया है दुलार जितना दादी कितना किया हमको प्यार कितना